पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि मुझे तेरा ये घमंड तोड़ना है कि हर लोग एक जैसे नहीं होते। समझी बच्ची? पूनम सबों ने पीछे हटी है, हम भी तो देख रहे हैं कितनी शक्ति भरी पड़ी है। ले मेरा चेहरा ढंग से देखना और बता कहाँ है रो मेरी जिंदगी में। मंत्र मार रहा हूँ तो बच्ची, तुझ पे मंत्र नहीं मार रहा हूँ, मैं अपनी शक्तियों को बुला रहा हूँ। अच्छा, बुला ले फिर, बुला ले। अब तो आ नहीं सकती, बस तू मेरी आंखों से आंखें मिलाती रहे, मैं तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा। ले तो फिर बता जल्दी बच्ची, तेरा एक लड़के से 36 का आंकड़ा रहता है। एक लड़के से तू इतनी खुश खाई बैठी है, वो लड़का तुझे जहाँ भी दिख जाता है तू उसे मन ही मन में गाली देने लगती है। सही कह रहा हूँ मैं बच्ची? ऐसी बात है तो वहाँ का नाम बता, कौन है वो कोना जो ने सकल देखती गाली दूँ? बता रहा हूँ बच्ची, नाम भी बताऊंगा और कुछ भी बताऊंगा तेरे बारे में। उस लड़के का नाम है भज्जी। उस लड़के की शक्ल तुझे जहाँ भी दिख जाती है तेरा उसे छेदने का मन करता है। कैसे बच्ची, मुंह फटा का फटा रह गया तेरा? अभी रुक और कुछ बताता हूँ तेरे बारे में। एक दो महीने पहले की बात है, तू ईख में चम्मच आदि करती हुई पकड़ी गई थी और तुझको पकड़ा उसी लड़के ने था जिसका नाम भज्जी है। बस बस भैया बस बस ना बच्ची, अभी तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ तेरे बारे में, अभी रुक और बताता हूँ। तेरे चार बॉयफ्रेंड है, राजू, बिल्ला, कालिया और पप्पू। भैया बस बस रुक जा रुक जा, कल्लू से आज तू 6 बजे फिर मिलने वाली है अपनी पिलाई करवाने के लिए। एक बात बता देता हूँ बच्ची, तू आज फिर पकड़ी जाएगी, वही लड़का तुझे पकड़ेगा जिसका नाम भज्जी है। आज तो वो अपने साथ धनुआ नाम के लड़के को भी लाएगा जो तेरी और उसकी गांड पे डंडा खूब बजाएगा। ये बात झूठ बोल रहे तुम, झूठ बोल रहे तुम, मेरी तो ऐसी कोई बात ही नहीं कल्लू से मिलने मिलने की। हाँ झूठ बोल रहे तुम, यह बात है मुझे झूठा साबित कर रही है काली बच्ची। तू कल स्कूल के रूम नंबर 43 में 2:45 पर कल्लू से बात कर रही थी, आज 6:25 पे मिलने की। और ये बात तेरी भज्जी नाम के लड़के ने सुन ली थी, इसलिए वो तुझ पर आज धप्पो बोलेगा। सच बता, कल ये बात तेरे बीच में नहीं हुई थी कल्लू से? हाँ हुई भैया हुई, सही सही कह रहे हो तुम, सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। अब यूँ बता दो, भज्जी भज्जी पकड़ लेगा हमें सच में? और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ तेरे से? ऐसा कोई रास्ता है जो जो भज्जी पकड़े ना मुझको? एक रास्ता है, बता दो मुझको क्या करूँ मैं जो जो आज पकड़ी ना जाऊँ, है बता दो मुझको। सिर्फ एक रास्ता है, तुझे आज 12:25 पर भज्जी के घर जाकर भज्जी के सोफे के नीचे 15,000 रुपए रख के आने हैं तुझे, और 15,000 रुपए रख के उसके घर से भाग जाना है। धर दो यार। गोलू 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 देख ले, देख ले भज्जी को मम्मी, गोलू गोलू देख ले, भाई का भाई का, आजा आजा ले ले 1,000 रुपए, आजा आएगा तो सही बेटा, तू देख रही है करता, देख रही है भाई, तेरे संग तो रहना ही बेकार है भज्जी, मेरे दिमाग पे पत्थर पड़ गया होगा वह दिन जब मैंने तोते दोस्ती करी होगी। मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब तो अपनी जिंदगी में न सोचे जो आज तेरे संग करने पड़ रहे हैं। सोचे का मेरे दिमाग में ना आज तक यू सवाल के, हाँ कभी भिखारी बनेंगो कभी यू बनेंगो, जो जो आज मुझको करने पड़ रहे हैं सब। जब तक तेरे साथ रहूंगा ना मुझको तो यू ही डर लगो रहे के, हाँ अब मेरी थूत ना कट जावे, अब मेरी थूत ना कट जावे, अब कोई ना मुँह चाड़ के चलो जावे। तू तू करे ऐसे करता बंदी, तेरे कान के नीचे ही कैसे धरंगा हाँ, मैं बता रहा हूँ ऐसा धरंगा, अभी अभी तेरे कर्तव्य पर नहीं निकाल दूंगा हाँ। माधर चूत चुप्पी ना हेरो, बोल ही जा रहा हूँ बोल ही जा रहा हूँ। जा अब तू निकल ले यहाँ पे, बहुत देर है गई तोकू, अब निकल ले यहाँ पे। हाँ घर पे तू ही कोस रहा होगा मोगो, तू ही कोस रहा होगा जो पापन में पकड़ लियो भीख मांगता हुआ। तू मन पे भीख मांगी ना रहे होगा, यू सोच रहा होगा यानी मैं भिखारी और बना दिया और सगरे पैसे मैं खुद रख लेगा जो मुँह पे आएगा, यही मारा तो मैं पापा ने पकड़ लिया हूँ आज घर पे। कह यू हमारा भज्जी है, यू यू कोई गोलू मोलू ना है, यही मारा तो उन्हें इतना विश्वास रहेगा, उन्हें यही मेरी दाढ़ी पकड़ के उखाड़ के फेंक दे, यू गोलू मोलू ना, यू तो भज्जी है भज्जी, यही मारा पकड़ गया हूँ मैं तेरी वजह से, क्योंकि तू कोस रहा होगा पीछे खड़ो खड़ो।
ऐसे आइडिया वाइडिया ना मैं मेरे दिमाग में क्या कोसनो वोसनो। हाँ मनते भीख मांग रहा मैं तेरे घर पे मनते, वो तो तेरे पाप आए और तू उनको लड़का तो जिंदगी भर से देखते आ रहे हूँ, यही मार पकड़ लियो उनने। तू आखिर में तेरे वो पापा तो बचपन से देखते आ रहे हैं, तू अपने पूरे शरीर भी ढक के जाता ना भीख मांगने तो तब भी आंख ते पहचान लेते के कौन है यू कौन ना। हर काय ते छुप लेगा तू, हर काय ते बस मम्मी पापन ते ना छुप सके। हाँ क्योंकि वो हमें बचपन से देखता हमें, यही मार पकड़ लियो तू। मैं कोस वोस ना रहो तो मैं तो मंती भीख मांग रहा तेरे संग। मोगो तो यहाँ मारे गुस्सा सी आ गई तो पे, क्योंकि मैं तेरे घर ते यहाँ तक भागो भागो आये हूँ तो मेरा खून सा गर्म है तो यहाँ मारे तो पे गुस्सा से उतार दियो ने। मैं तो तेरे संग पूरी जिंदगी भीख मांगने को तैयार हूँ, एक दो दिन का मैं पूरी जिंदगी भीख मांग लूंगा तेरे संग। यार है तू अपना जिगरी यार, मैंने तू तेरे घर पे कोसा वोसा ना। हाँ मैं कोस ना रहा हूँ तू कह। हाँ मैं भिखारी बना दिया हूँ, वो बना दिया हूँ, वो तो तेरे पापा ने पकड़े लियो तू। क्योंकि सब अपने बाल कर ने पहचाने, कैसी आवाज है, कैसी शकल है, कैसी आंख है, कैसी नाक है, तो पहचान ही ले। मैंने कुछ ना सोचा तेरे बारे में। चल अब छोड़ यार बात करने, पकड़ लियो पापन ने। अब एक दो थप्पड़ ही लगा लेंगे, या तो ज्यादा कुछ ना करें, बस एक दो थप्पड़ लगा कर थोड़ा डांट देंगे कि हाँ भीख ही मांगेगा, या तो ज्यादा कुछ ना करें पापा। ए बालको अभी तुम्हारी 18-19 साल की उम्र है, या उम्र में भी तुम भीख मांग रहे हो? कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री में काम धंधा देखो, खूब पैसा कमाओ, जब हाथ पे टिक जा, जब कहीं चौराहे पे जाके बैठ जाइए तब मांगियो भीख। हाथी के कद्दू तुम्हें शर्म ना रही होगी भीख मांगने में? है शर्म ना रही होगी? अगर तुम्हें पैसे ही कमाना हो तो रात को मेरे ढंग आजा करो, मेरी मालिश कर दे करो शरीर की। मैं तुम्हें 500 रुपए दे करूंगा एक दिन के, मेरी मालिश खत्म है तुम दोनों को एक एक 500 को करकरारा नोट और दे करूंगा। हाँ 30 दिन के 15,000 बैठे 15,000, बताओ फिर आओगे मेरी मालिश करने? भीख मांगने ते तो 100 गुना अच्छा हो मेरी शरीर की मालिश करना, और 500 रुपया लगते मिले करेंगे। पूरे शरीर की मालिश करने के बस 500 ही दे करोगे? कम लग रहे, 600 ले लियो बता। पूरे शरीर के बहुत कम रेट लगा रहे हो तुम, बहुत कम। हाँ? तुम ऐसा करो मेरे ढिंगा आ करो दोनों रात को, मैं तो बस अपनी टुंटनी हिलवाने की तुम्हें 1,000 दे दे करूंगा। पूरा शरीर गया भाड़ में, बस तुम मेरी टुंटनी की मालिश करके चले जा करो। हाँ दो 500 के कर करारे नोट दे करूंगा मैं तुमको। उसमें रह के बात कर दिखा रही, नहीं भीख मांगने के लायक नहीं रहेगा तुम में से कोई सा। माधर चोद इन टुच्ची मुच्ची धमकिन तो डरा रहा होगा माँ को, तेरी गांड पे इतनी लात बजाऊंगा सुबह को तेरी टट्टी भी यूं सोचेगी आज पता ना कौन से अजीब रास्ता तेरे करना पड़ रहा हो। तेरी गांड को तेरा बड़ा हाल कर दूंगा बजा बजा के। अब भिखारी भी धमकी देने लगे तो जैसे मैं जड़ते खरीद दूंगा मैं, सुनी? अगर तू मोकू जड़ते खरीदने की काबिलियत रखता हो ना तो आज यू कटोरा लेके सड़क पे ना डोलता तू, सुनी? सही बात कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है आपका तेने। हाँ यू है बात बोलने वाली। हाँ अब सही बात कही है तेने। दूर ते घुन्ना तो रहेगा, आजा जल्दी आ, तेरी भी खुजली मिटाऊ, दिखाऊ तो आप भिखारी की ताकत दिखाऊ, इतकू आ जल्दी, तुम्हें बनवाऊंगा आज फालतू तेरी। हुई मालिश अच्छी ना हुई? करवाओगे तुम मालिश, दोगे हमें कर करा रो 500 का नोट। माधर चोद फाड़ दूंगा बीच में थे। चले धनु। हाँ हाँ चल। तेरी दाढ़ी कहाँ? मेरी तो खैर पापन ने उखाड़ दी, पर तेरी कहाँ गई? जब तेरे घर से मैं भागो ना तो मुँह लगे वही ग्रेवी है मेरी भी। चल चल कोई ना, दूसरी बना लेंगे दूसरी, आ जा। भिकारी में भी इतनी ताकत हूँ मैं, मुँह तो आज पता चलिए, मैं तो सोचता रह कि खाना पीना टाइम से मिले ना तो कमजोरी रहते होंगे, मुँह का पता इतनी ताकत हूँ मैं भिकारी में। तू लात घुसा ऐसे बजा रहा जैसे ईंट बजा रहा हूँ मुँह का, मुँह ना पता इतनी ताकत हूँ मैं भिकारी में। वैसे यार धनु मो ना लगे मैं 1.5 लाख रुपए पूरी जिंदगी में कर पाऊंगा भीख मांग के। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दे दी है पूनम ते हामी भर गए आईफोन की। ऐसा पैसा ना हो मैं तो अपने पापन पे मांग लियो 1.5 लाख रुपए, तेरे पापन के लिए तो छोटी मोटी बात है, 1.5 लाख रुपए देना यो ही दे देंगे, दे दी वाकू आईफोन। अगर पापन के पैसा ते वाकू आईफोन दिवाना हो तो मैं कब को दिवा दे, तो फिर मैं भीख काई को मांग तो, और पापन को भेला पुचका के कैसे ना कैसे करके आपको नया निकाल ही ले तो आईफोन। पूनम के मना ही करनी पड़ेगी आईफोन की। वैसे पूनम को देना भी ना चाहिए आईफोन, मैंने पहली बार बातें पूछी है, बता का चाहिए तो तेरे जन्मदिन पे?
वाले ना इतकी सोची ना उसकी सोची झड़ी कह दी आईफोन दिवा दो मुझको 1.5 लाख 12 14 प्रो मैक्स चाहिए बताओ उनको नेक भी ना सोच रही क्या कहाँ ला के देगा 14 प्रो मैक्स कोई छोटी मोटी चीज ही मांग लेती आईफोन चाहिए बताओ आईफोन अगले जन्मदिन पे फिर पूछने लगो क्या पता कहाँ चाहिए फिर कार मांग लेगी 4 पहिए की ऐसे तुम मुझको रोड पर ला देगी। सही कह रहा तू सही कह रहा हूँ मध्य बाकू आईफोन। अब मैंने बातें आईफोन की हामी भी तो भर दी है अब मैं मने भी तो कर सकूं बातें ऐसा कोई रास्ता ना धनवा जो मोते खुदा के मने कर दे के भज्जी अब मत दे मुको आईफोन रहन दे यही रहन दे यही मैं बिना आईफोन के खुश हूं तोते। ऐसे ऐसे तो बिल्कुल भी ना कहेगी मने तो करवानी पड़ेगी कहीं ना कहीं तरीका से। ए मोह लगे मैं भी चैन न दीखे जहाँ भी जा रहे नहीं टपक रहेंगे बताओ हरदम हालती रेल पे और कोई काम धंधा ना है। अरे बेटी मुझे लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ मैंने आपको कहीं देखा है पहले। हाँ तुम सही कह रहे हो हम रेलवे स्टेशन पर मिले पहले रेलवे स्टेशन पर ध्यान है तुम्हें जब तुमने हमारे बारे में बताया कहो कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है और यहाँ का बॉयफ्रेंड ऐसा है ऐसे ऐसे बता रहे हमें। हाँ, याद आ गया बेटी याद आ गया सही कह रही हो तुम सही कह रही हो हमने तुम्हारे बारे में बताया था शकल देख कर है वही वही हो ना तुम रेलवे स्टेशन वाली जिन्होंने हमको पैसे भी दिए थे बाद में। हाँ सही कह रहे हो तुम सही कह रहे हो। ए पूनम और सब मो एक बात समझ में ना रही तुम्हें भिखारी ने कैसे जाना बड़ी खुश है रही तुम इन्हें देख के ऐसा कायन भिखारियों में जो तुम इन्हें देख के इतनी खुश है रही है। कर लो तो यू पूछ क्या नहीं है इन भिखारियों में यू लड़कियों का चेहरा देख के बता देते हैं क्या चल रहा है इसकी लाइफ में कौन है इसकी जिंदगी में क्या करता है वो क्या नहीं करता सब कुछ बता देते हैं यू उसके बारे में इतना टैलेंट है इनके अंदर। ऐसे भिखारी जब मैंने कितने देखे पूनम और सबो कितने देखे ऐसे भिखारी मैंने ये चूतिया बना के झेड़ी पैसा लेके निकल जाऊं जहाँ भी दीख जाएगी वही कटने के काम करे इनको काम है यू हुआ लोगों को चूतिया बनाना और पैसा ऐंठ के निकल जाना साफ जाने यू पैसा हाथ में आते ही साफ जाने साफ ऐसे भिखारी की मैंने थूत भी कटती देखी है हाँ जो चेहरा पड़े ना चेहरा पड़ के बता मैं क्या तेरी जिंदगी में यू हुआ ऐसे बहुत करते देखे मैंने रास्तन पर सही कह रही हूँ तू नंबर सब ऐसे आदमी के कभी भिखाई में नहीं आना चाहिए और तुमने ना पैसा दे दिया बताओ काली बच्ची अभी तुझे हमारी शक्तियों पर विश्वास नहीं है। ओ होश में बात कर भिखारी मेरा नाम है कल्लू के या बच्ची के काली बच्ची क्या कर रहा है तू ना हमको इनकी शक्तियों पर विश्वास हाँ भगवान ही तो हो तुम सीधे धरती पर उतरी है भिखारी बन के जो सबकी यहाँ शकल देख कर बता दो कि हाँ यू का करे का ना करे कौन है की जिंदगी में कौन ना है। काली बच्ची शुरुआत में सब ऐसा ही बोलते हैं ये दो लड़की भी ऐसा ही बोल रही थी शुरुआत में जब मैंने इनके बारे में बताया था ना तब इनको पता चला हम क्या चीज है। ओ ऐसा हो भिखारी मोटे काली बच्ची मत करा तू हाँ मैं बता रही हूँ तो शांत है ना कल्लू शांत है ना ये सही कह रहे हैं शकल देख कर सच बात बताना बिल्कुल सच बात आगे का हेले वारो और पीछे का हुआ सब बता दे कल्लू हमें भी पहले इन पर भरोसा ना जब इनने हमारे बारे में सगरी डिटेल्स बता दी ना हम कौन है का करे का ना करे कौन है हमारी लाइफ में सब बता दिया उनने तब जाके हमें भी विश्वास हुआ इनकी बातों पे तब दिए हमने इनको पैसा खामा खाई पैसा में दे दिए हमने इतना हम भी जाने कौन कैसो कैसो ना सही कह रही हूँ ना पूनम में। हाँ सही कह रही है तो बिल्कुल सही कह रही है। अब मुझे इसका भी चेहरा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में भी बताना पड़ेगा नहीं इसको भी विश्वास नहीं होगा हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। काली बच्ची सॉरी बच्ची मैं तेरा चेहरा फ्री में पढ़ के बताऊंगा कोई पैसा नहीं लूंगा मैं तेरा चेहरा पढ़ने का मैं फ्री में तेरा चेहरा पढ़ के बताऊंगा क्योंकि मुझे तेरा ये घमंड तोड़ना है कि हर लोग एक जैसे नहीं होते समझी बच्ची। पूनम सबो ले पीछे हटी हम भी तो देख रहे हैं कितनी शक्ति भरी पड़ी है ले मेरा चेहरा ढंग के देखना और बता का है रो मेरी जिंदगी में कैसा मंत्र मार रहा हूँ तो बच्ची तुझ पे मंत्र नहीं मार रहा मैं अपनी शक्तियों को बुला रहा हूँ। अच्छा बुला ले अब तो आ नहीं सकती बस तू मेरी आँखों से आँखें मिलाती रहे मैं तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा ले तो फिर बता अब जल्दी बच्ची तेरा एक लड़के से 36 का आंकड़ा रहता है। एक लड़के से तू इतनी खुश खाई बैठी है वो लड़का तुझे जहाँ भी दिख जाता है तू उसे मन ही मन में गाड़ी देने लगती है सही कह रहा हूँ ना बच्ची ऐसी बात है तो वहाँ का नाम बता कौन है कौन ना जो शक्ल देखती गाड़ी दूँ
बता रहा हूँ बच्ची, नाम भी बताऊंगा और कुछ भी बताऊंगा तेरे बारे में। उस लड़के का नाम है भज्जी। उस लड़के की शक्ल तुझे जहाँ भी दिख जाती है तेरा उसे छेदने का मन करता है। कैसे बच्ची, मुंह फटा का फटा रह गया तेरा? अभी रुक और कुछ बताता हूँ तेरे बारे में। एक दो महीने पहले की बात है, तू ईख में चुम्मा चाटी करते हुए पकड़ी गई थी और तुझको पकड़ा उसी लड़के ने था जिसका नाम भज्जी है। बस भैया बस ना बच्ची, अभी तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ तेरे बारे में, अभी रुक और बताता हूँ। तेरे चार बॉयफ्रेंड हैं, राजू, बिल्ला, कालिया और पप्पू। भैया बस रुक जा। कल्लू से आज तू 6 बजे फिर मिलने वाली है अपनी पिलाई करवाने के लिए। एक बात बता देता हूँ बच्ची, तू आज फिर पकड़ी जाएगी। वही लड़का तुझे पकड़ेगा जिसका नाम भज्जी है। आज तो वो अपने साथ धनुआ नाम के लड़के को भी लाएगा जो तेरी और उसकी गांड पे डंडा खूब बजाएगा। ये बात झूठ बोल रहे तुम, झूठ बोल रहे तुम। नहीं तो ऐसी कोई बात ही नहीं कर लू मिलने की। हाँ झूठ बोल रहे तुम्हें बात है। मुझे झूठा साबित कर रही है काली बच्ची। तू कल स्कूल के रूम नंबर 43 में 2:45 पर कल्लू से बात कर रही थी, आज 6:25 पे मिलने की। और ये बात तेरी भज्जी नाम के लड़के ने सुन ली थी, इसलिए वो तुझ पर आज धप्पो बोलेगा। सच बता, कल ये बात तेरे बीच में नहीं हुई थी कल्लू से? हाँ हुई भैया हुई। सही कह रहे हो तुम, सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। अभी यू बता दो, भज्जी पकड़ लेगा हमें सच में? और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ तेरे से? ऐसा कोई रास्ता है जो भज्जी पकड़े ना मुझको? एक रास्ता है। बता दो मुझको क्या करूँ मैं जो आज पकड़ी ना जाऊँ, बता दो मुझको। सिर्फ एक रास्ता है, तुझे आज 12:25 पर भज्जी के घर जाकर भज्जी के सोफे के नीचे 15,000 रुपए रख के आने हैं तुझे। और 15,000 रुपए रख के उसके घर से भाग जाना है, उसके नजरों के सामने नहीं आना है तुझे। और करेक्ट 1 बजे भज्जी उन पैसों को उठा लेगा और धनुए को बुलाकर पार्टी करने चला जाएगा और तू बच जाएगी। 15,000 रुपए अपनी आंखों के सामने धरा देख वो भूल जाएगा कि आज कल्लू किसी से मिलने वाली है। नहीं तो वो अब भी तेरी ही प्लानिंग कर रहा है उसे कैसे पकड़ा जाए कैसे नहीं पकड़ा जाए। यही एक रास्ता है। मारूं भज्जी से पंगा ले रही है भज्जी से। अब भाई गई है 15,000 रुपए धन्यवाद के सोफा के नीचे। चुप ही खड़ी रहती कर लेती भरोसा हम भिखारे पे, अब 15,000 तो ना खुजती तेरी। मेरे को एक बात और बताओ ना, मेरे को आईफोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? और भज्जी क्या कर रहा होगा अभी? यही भी चूतिया बनाना पड़ेगा अब। बताओ ना मेरे को। हाँ, उस भज्जी ने 1,80,000 रुपए अपने पापा से लिए हैं, बस कुछ टाइम बाद ही आईफोन लेने जाने वाला है आपके लिए। आगे आगे बताओ ना आगे। हाँ ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे क्या हो गया बुरा, मुझे भी तो बताओ। भज्जी ने आपके जन्मदिन पर आपको आईफोन दिया और आपने फुड़वा दिया। क्या फुड़वा दिया? हाँ, भज्जी आपके जन्मदिन पर आपके हाथ में आईफोन देता है और आप खुशी खुशी में उसे नीचे गिर देती हो तो उस पे 5-6 जनों का पैर पड़ जाता है नाचते नाचते में, क्योंकि आपके घर डीजे बज रहा है आपके जन्मदिन पर और उस पर 5-6 आदमियों का पैर लग जाता है तो मोबाइल का कबाड़ा हो जाता है, पूरा टूट जाता है। भज्जी ये सब देख के बहुत गुस्सा होता है और आपके घर से गुस्सा होकर भाग जाता है। याने तो 1.5 लाख की ऐसी तैसी मार दी। भज्जी को युवा दिल पे लग जाती है और आपसे 3 साल, पूरे 3 साल नहीं बोलेगा इस आईफोन की बात के ऊपर। हाँ, क्योंकि तुम वाके आईफोन फुड़वा दो ना पेरेंट के नीचे दबा के, इतने महंगे आईफोन तुम पेरेंट के नीचे तुड़वा रही हो तो गुस्सा तो हो गई हूँ। यही मारे तुम तो 3 साल ना बोलेगा, 3 साल ऐसा नहीं हो सकता। कैसी बात कर रही है तुम, मेरी आंखों के सामने बिल्कुल लाइव चल रहा है, वो सब दिख रहा है, काना हेरो। और तुम भज्जी बनाने वाले घर 1,000 बार जाएंगी, 1,000 बार फिर भी भज्जी 3 साल लगा देगा तुमसे बोलने के लिए। 3 साल के चल कोई ना, फोड़ दिए मोबाइल। 3 साल ना बोला भज्जी मुझे? हाँ, पूरे 3 साल 24 घंटा 25 मिनट और 43 सेकंड पे तुमसे बोलेगा भज्जी। चल पूनम छोड़, फोड़ दियो कहना तेरी कोई गलती नहीं, पर यह बात है कहने के लिए वह पूरे 3 साल लग जाएंगे, 3 साल। ऐसा कोई रास्ता है जो ऐसा कुछ ना हो? हाँ एक रास्ता है, तुम वहाँ पे जाके कह दो कि मुझे आईफोन वाईफोन ना चाहिए, मैं तो बस देखना चाह रही तू मुझको आईफोन देगा या ना देगा, तू मुझको देने के लिए तैयार है तो नहीं, काफी है, मैं ना ले रही आईफोन तो
मैं तो बस देखना चाह रही तू मेरे लिए इतना कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर ऐसा तो नहीं होगा कुछ ना? फिर ऐसा कुछ ना होगा, तुम बातें बस आईफोन की जाके मने कर दो, फिर तो वो साफ रास्ता देख रहा हूँ, तुम्हारे संग नाच भी रहो भज्जी तुम्हारे जन्मदिन पे। हाँ हाँ नाच रहो नाच रहो। ठीक है कितना कितना आसान है लड़कियों का चूतिया बनाना। तो कल लोगे कैसे पता चली क्या वो एक में मिलेगी आज का ही थे? ए मैंने बताई नहीं, मैंने कल सुन लिया हूँ बात करते हुए, आज की कह रहे कि आज मिलेंगे वहाँ पे। मैं कह रहा तुम्हें मिलवाऊंगा, इकट्ठा मिलवाऊंगा तुम्हें। मैं आज पकड़ता हूँ ना जाके, अब कल लो मुँह लगे 15,000 रुपए मेरे सोफा के नीचे भर के चली जावे और मैं छोड़ दूंगा फिर वहाँ के। चल चल मौज ले जिंदगी के। तू बेटा वैसा सब पे नजर रखे। हाँ यू बात तो है, अब यू तो प्रॉब्लम तो सॉल्व है गई, अब बस पापन की मार से बच रहा हूँ कैसे ना कैसे करके। घर पे पापन के सामने मेरी हाथें हाँ मिला तो रही हूँ, जो भी मैं पापन के सामने बात करूँ ना और तोते पूछने लगूँ कि हाँ धनुआ सही कह रहा हूँ ना मैं, कि हाँ हाँ भज्जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तो सही कह रहा हूँ, ऐसा करता रही हूँ पापन के सामने। ठीक है और बाकी मेरे ऊपर रही कैसे बचना पापन की मार से। आज जल्दी अब छोड़ो ना भज्जी के पापा। का कह रही है दोबारा बोलिए, छोड़ दूं? हे वाकू छोड़ दूंगा वाकू, वहां ने पता ना तो को का करो आज भीख मांगना चालू कर दिया। वहां ने अपनी वेशभूषा चेंज करके तो ऐसे आयो घर पे छाती चौड़ा के कि हाँ अब ना पहचानेंगे पापा मुगु। अब यू ही दिन देखने पड़ेंगे का मुगु, वहां आज घर पे आ जान दे, आज बता दूंगा मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। आन दे तू आज वहां घर पे। अरे वो मजाक कर रहा होगा, मजाक है यू, भीख मांगना मजाक है यू। आज ना छोड़ो वाकू, चाहे कुछ भी है जहाँ आज ना छोड़ूंगा वाकू, वहां ने इतनी बड़ी गलती करी कैसे। अगर वाकू पैसा चाहिए तो मोते मांग तो मैं देता वाकू पैसा, कितने चाहिए भीख मांगने का जरूरत है वाकू। मैं एक बार मने करता बातें पैसा की, दो बार मने करता हार करके दे देता वाकू पैसा, पर वाकू भीख मांगने की का जरूरत है। आन दे आज तू घर पे। मेरे पापन ने जो मुझको पहचान लिया, हाँ गर्व है मुझे अपने पापन पर, ऐसे पापा मिलने चाहिए हर काई को। मैं तो सोच रहा हूँ पापा मुझको भिखारी के बीच में पहचानेंगे ही ना पर पापन ने पहचान लिया, बहुत बढ़िया करो पापन ने, बहुत बढ़िया करो। हाँ सही कह रहा तू, बाहर वाले बालक यू समझ रहे होंगे कि यह भज्जी के पापा भी मेरे पापन की तरह है, पर उन्हें यू ना पता मेरे पापा कितने स्मार्ट कितने इंटेलिजेंट है, यू ही पहचान लेंगे अपने लड़का को, यू ही चाहे मैं भिखारी के भेस में आऊँ चाहे काई के भेस में आऊँ। हाँ मुखा की शर्त लगा ली उनने मोते और हार गए। हाँ सही कह रहा भज्जी तू, तो शर्त लगानी चाहिए उनको, अब हार गए, अब मोहबनों को बना रहेगा उनको। थैंक यू पापा। का बात को थैंक यू? पापा या बात को थैंक यू, तुमने आज मेरी लाज बचा ली, तुमने मेरी इज्जत बचा ली मेरे दोस्तों के सामने। अगर तुम आज लोग भिखारी के भेष में ना पहचान पाते ना, तो आज मैं शर्त हार जाता हूँ अपने यार दोस्तों के सामने और मेरी ना कलेक्ट कर। हाँ पापा आज मुझे शर्त लगा ली मेरे यार दोस्तों ने कि तू अपने पापन के सामने अपनी वेशभूषा चेंज करके जाएगा ना तो वो पहचान ना पाएंगे, चाहे तू इनको कितना भी लाड लो बेटा से। तो फिर मैंने गुस्सा में आके उनसे झेड़ फेड़ शर्त लगा ली, और कैसी बात कर रहा तू, वो भी मेरे पापा मुँह को ना पहचान पाएंगे, मैं कैसी भी वेशभूषा चेंज करके चले जाऊँ पापा यूं ही पहचान लेंगे मुँह को यूं ही। तो फिर उनने मुझे बिना सोचे समझे शर्त लगा ली कि तू भिखारी बन के जाइयो अपने पापन के सामने, दाढ़ी मूछ लगा के हाथ में कटोरा लेके और गंदे से कपड़ा पहन के जाइयो, हम देखेंगे कैसे पहचानेंगे तेरे पापा। पर पापा मुझको डर सो तो लग रहा हूँ, दुख दुख है रही मेरे दिल में के पापा मुझको पहचान पाएंगे के ना पहचान पाएंगे, पर मुझको बहुत खुशी हुई जो तुमने मुझको पहचान लिया। अब बाहर भरोसा मुझे बना रहे जब 10,000 रुपए हार गए, अब बाहर खड़े खड़े भरोसा मुझे बना के कह रहे हैं कि हाँ अब भज्जी के पापा पहचान लेंगे वाकू, काई भी भेस में पहचान लेंगे, काई भी भेस में। मैंने तो पहले कह दी ये बात, तू मेरी कैसी भी वेशभूषा बना दे, कैसी भी मेरे पापा मुझको यूं ही पहचान लेंगे यूं ही। अब टट्टी से मुंह बन गए उनको। थैंक यू पापा। अरे तू भिखारी का, तू तो कोई भी भेष बना के आ जा तो मैं तो तू यूं ही पहचान लेता, क्योंकि तू मेरा बेटा है, मेरा बेटा। ए पापा ये डंडा काय लिया रख रहा हो तुमने, मोपे बजाने को तुम्हें रख रहा हो? अरे कैसी बात कर रहा हूँ भज्जी बेटा, तू कैसी बात कर रहा हूँ, तो कहीं बजाऊंगा मैं डंडा, घर में कुत्ता कुछ आयो या हमारे मेरे पापा बजाने को धर रखो, तेरे लिए ना रखा और मैं तुम्हें बजाऊंगी काई को है। तो पापा जा रहा हूँ मैं अपने रूम में, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा ठीक है। क्यों उतर गया सगरा गुस्सा नेक देर में, बजा उस पे बजाओ, अब क्यों नहीं बजाते? मुझे बताओ मेरे बेटा ने अपने यार दोस्तों से शर्त लगा ली है कि मेरे पापा मुझे पहचान पाएंगे कि ना पहचान पाएंगे, यही यही मारा भिखारी बन के आयो है, मैं तो सोच रहा हूँ कि सच में ही भिखारी बन के आया दी है घर पे।
या मार धलियो मैं तो डंडा। अब वन सच सच बात बता दी तो बता, मैंने वहां पे बजाया कोई वहां पे। ए यू तेरे पैसा धरे सोफा पे, इनमें पता मेरा एक भी रुपया इन्हें रख के गई होगी जरूर, कल्लो हाँ कल्लो रख के गई होगी क्योंकि मैंने वाकी ऐसे पैसे में मार दी बाहर, वाकी लुप लुप फेरी होगी क्योंकि मैंने वाते भिखारी के वेश में यू ना कह दी कि भज्जिया तो पे धप्पो बोल देगा तो यहाँ मेरे पैसा धर के चली गई है। वैसे भज्जी तुम्हें दिमाग तो है और वाह तू सही जगह यूज भी करे, और एक बात बता तुम लोग तेरे बाप अपना सोफा पर डंडा का एक धर रखो। वो मेरे लिए ही तो धर रखो, मुंह पे तोड़ते हुए मुंह पे अगर मैं ऐसे डायलॉग ना मारता हूँ ना तो मुंह पे टूटता हूँ डंडा। तो कैसे पता तू पे बजाने के लिए रख रहा हूँ डंडा? यू बात मेरे को तब पता चली जब मेरा पापन से यू बात पूछी ना, पापा तुमने डंडा का लिए धर रखो यू, तो उनने कही कुत्ता के लिए धर रखो, तो मम्मी घुन्ना रही वाटेम पापन माई, मम्मी सोच रही होगी कि आप झूठ बोल रहे, तो मैं भी समझ गया कि पापन ने मेरे लिए धर रखो यू डंडा। अरे भज्जी मैं यू पूछने आई थी, तूने भी आईफोन तो नहीं खरीदा मेरे लिए? ए अभी हम लेकर नहीं आ रहे, इतनी तू आ गई। मतलब अभी नहीं खरीदा? ना अभी मैं खरीदा, हम जा रहे लेने तेरे लिए गिफ्ट। भज्जी रहने दे, मुझे अपने जन्मदिन पर आईफोन नहीं चाहिए। अरे पूनम तू मेरी जान है, मेरी जिगर की छल्लो, मैं तुझे जन्मदिन पर आईफोन ना दे सकूं तो का दंगा है, मैं 1.5 लाख रुपए खर्च ना कर सकूं तेरे जन्मदिन पर, जरूर दंगा मैं तुझको आईफोन। अरे भज्जी मुझे आईफोन नहीं चाहिए, मैं तो बस आजमा रही थी तू मुझको आईफोन देगा या नहीं। मैं मजाक कर रही थी उस टाइम। हाँ मुझे आईफोन नहीं चाहिए। 1.5 लाख कोई तो मोबाइल है पूनम, है तू मने काय कर रही है, मेरे लिए तो छोटी सी बात है ये मोबाइल देना, तो ले ले है काय को मने कर रही है, मैं तो तुम खुशी खुशी दे रहा हूँ ना। ना मुझे नहीं चाहिए, तू बस मेरे जन्मदिन पे आ जाइए उतना ही काफी है। चल पूनम तू अब मना ही कर रही है तो आईफोन की, चल कोई बात ना, मैं यूं ही आ जाऊंगा फिर तेरे जन्मदिन पे, ठीक है? तू खुश रह पर। ठीक है भज्जी, आईफोन लेना भी मत अब है, ठीक है? ठीक है पूनम। आगे सब पापन ते बच गो और या के आईफोन ते बच गो, अब बढ़िया है। कहाँ के नाम है तू, तेरा दिमाग तू का है गो? मुझे तो कुछ ना हुआ, मैं तो यू देखना चाह रहा हूँ तू खुद ही अपनी बात में फंसा ले और खुद के काम में खुद ही लेकर वाले हैं, और वह ऐसा लगे कि हाँ मैंने सही कर दिया। पूनम यू सोच रही होगी कि हाँ मैं सही टाइम पे पहुँच गई भज्जी के घर पे, जो मैंने आईफोन की मने कर दी वहाँ पे, नहीं लेने जाने वा रहा हूँ आईफोन, भगवान को लाख लाख शुक्र है जो मैं टाइम पे पहुँच गई, ऐसा सोच रही होगी पूनम। और वाकू यू बात तो ना पता कि यू सगरी तेरी चली चलाई चाल है, वाकू तो तब पता चलेगी, तेरी तो तेरे पापा ने पता न चल ली। बहुत बढ़िया। ए यार का है वो?